और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान दोनों जगह दो बदमाश घायल। दोनों बदमाशों को अलग अलग अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों बदमाशों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दादरी और नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान दोनों जगह दोनों बदमाश घायल हुए हैं। दोनों बदमाशों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दादरी और नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, इन दोनों ही बदमाशों पर कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। ये पूरा मामला दादरी और नोएडा फेज 3 थाना क्षेत्र का है, जहाँ ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों जगहों पर दो बदमाश घायल हुए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दो जगहों पर दो बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण भड़ाना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तरुण, दो जगहों पर मुठभेड़ हुई और दोनों ही जगहों पर बदमाश पुलिस के हाथ से चढ़ा है, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में लगातार जिस तरह क्राइम बढ़ता नजर आ रहा है, पुलिस भी कहीं बिल्कुल सक्रिय होती नजर आ रही है। जो दादरी में देर रात जो बदमाश है, चेकिंग के दौरान 25,000 का ऋषभ था, नोएडा का रहने वाला था, उसे चेकिंग के दौरान रोका गया, तो पुलिस फायरिंग में जो बदमाश जो घायल हो गया, जिसके बाद 25,000 का इनाम था बदमाश के ऊपर, और उसके करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। वो दादरी से वांछित चल रहा था। यही नोएडा में भी जो दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो है उसमें भी गोली लगी थी, घायल हो गया था, जिसमें जो उसमें भी अपराध चल रहा था, वांछित था, इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। हालांकि जिस तरह गौतम बुद्ध नगर लगातार मुठभेड़ पुलिस की गोली बोल रही है, कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा नजर होता आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह आगे जो बदमाश है उनकी कुंडली थाने में पुलिस तो लगी हुई है, लेकिन अब आगे इनका रिजल्ट निकल कर क्या आता है और ये जो मैन आता है उन पर क्या कार्रवाई होती है। जी बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।